प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है आप घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कक्षा 6 गणित के उप विषय में आज हम लेंगे सम और विषम संख्याएं। सम और विषम संख्याओं से हम पहले से परिचित हैं, लेकिन थोड़ा सा हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं, दोहरान कर लेते हैं कि सम और विषम संख्याएं होती क्या है। सम संख्या, जैसा कि आप सभी को पता है और मैं बता भी रहा हूं अभी, कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, 2 से पूरी 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 भाग हो जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। पूरी पूरी का मतलब, भाग होने का मतलब ये होता है कि किसी संख्या को यदि हम 2 से भाग दें तो शेष है वो 0 बचे और कुछ ना बचे, तो पूरी पूरी भाग होने का मतलब हो गया। जैसे यदि हम लें तो 2 भी 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी, 12 भी, 14 भी, और इसी प्रकार गिनती में हम एक अंक छोड़ के एक अंक लें इसी क्रम में, तो वो सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम विषम में आते हैं। विषम बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल विपरीत। विपरीत कैसे? जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए सम संख्या, और विषम संख्या जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग न हो वो क्या होगी? विषम संख्या। सम संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, विषम संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग न हो, और वो कौन सी संख्या है? जो संख्या इसमें हमने छोड़ दी है गिनती में, इसमें लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, क्या क्या छोटा है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और उसी प्रकार हम चलते जाए। मतलब ये भी एक अंक छोड़ के अगला अंक है, और विषम संख्या और सम संख्या में पहली विषम संख्या, पहली सम संख्या अगली सम संख्या से 2 छोटी होगी, 2-2 का अंतर होगा सब में, और विषम संख्या में भी 2-2 का अंतर होगा। तो सम और विषम संख्या में सिर्फ हम यही समझें कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग न हो विषम संख्या। इसकी एक और परिभाषा हम ले सकते हैं। परिभाषा क्या, हम एक उदाहरण के द्वारा ही देखते हैं कि सम संख्या में हमेशा जो इकाई का अंक है, इकाई का जो अंक है वो हमेशा 0 हो सकता है, 2, 4, 6 और 8 यही हो सकता है। यदि मैं पूछूं 3, 7, 9, 0, 8, 6 क्या ये एक सम संख्या है, तो हम सीधा इकाई का अंक देखेंगे कितना है, 6, वो इनमें से है, तो यह एक 3,79,086 जो है ये एक सम संख्या है। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या को भी हम बता सकते हैं कि यह सम संख्या है, क्या सम संख्या नहीं है। इसी प्रकार विषम संख्या में भी, विषम संख्या में इकाई का अंक इनको छोड़ के बस विषम संख्या में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? जैसे इसमें हमने 0, 2, 4, 6, 8 लिया था, इसमें क्या होगा? 1, 3, 5, 7 या 9। यदि मैं कहूं 3, 7, 8, 9, 3, 1, 6 क्या ये विषम संख्या है, तो हम इकाई का अंक देखें क्या है, 6, वो तो इसमें से नहीं है, वो किसमें है? इसमें है, इसमें है, तो ये क्या है? एक सम संख्या है, ये विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या के लिए हमें इकाई का अंक क्या चाहिए? एक विषम अंक चाहिए। विषम का मतलब 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई एक, इसमें 9 इकाई का अंक आया हुआ है, तो यह एक विषम संख्या है। आशा है समझ गए होंगे सम और विषम के बारे में। कुछ और संक्रियाएं ले लेते हैं सम विषम पे। हम दो सम संख्याओं का जोड़ करके देखते हैं, 8, 3, 4 छोटी ले लेते हैं, चलो दो सम संख्याओं का जोड़ करके देखते हैं, 4 और 6 क्या आ गया? 10। दो विषम संख्याओं का जोड़ करके देखते हैं, 5 और 7 12 है, और दो सम संख्याओं का जोड़ ले लेते हैं हम यहां,
आठ और छह 14 है, और दो विषम संख्याओं का जोड़ देते हैं 9 और 15 24। अब ध्यान से देखें हम इन दोनों संख्याओं में कि जब हमने दो सम, ये देखो ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी विषम है, ये भी सम है, ये भी विषम है। जब मैंने दो सम संख्याओं को जोड़ा 8 और 6 को, आंसर मेरे पास आया 14 है। क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या है? काई काम देखो, 4 है, 4 है तो सम संख्या है। जब मैंने 4 और 6 को जोड़ा, 4 और 6 10, इकाई का क्या है 0, क्या आया ये भी सम संख्या ही है। जब मैंने दो विषम संख्याओं को जोड़ा मतलब ये भी सम है। अब इससे क्या स्पष्ट हो जाएगा कि यदि हम कोई भी दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे हमारे पास हमेशा एक सम संख्या ही आएगी, विषम नहीं आ सकती है। अब दूसरी चीज करके देख लेते हैं, विषम, एक विषम और दूसरी विषम, दोनों विषम को जोड़ा हमारे पास 12 आया, 12 में इकाई का अंक 2, वो क्या है एक सम संख्या है। तो दो विषम संख्याओं को यहां जोड़ा तो उत्तर हमारे पास क्या है एक सम संख्या आया, और यहां भी 9 और 15 है दोनों विषम संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 24 उत्तर आ रहा है, 24 में इकाई का अंक 4 है, ये एक सम संख्या है। अर्थात कि उन दोनों विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी हमारे पास सम संख्या आ रही है। अब इन दोनों बातों से सिद्ध हो रहा है कि यदि हम दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उत्तर हमारे पास एक सम संख्या आएगा, और दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी परिणाम या उत्तर हमारे पास सम संख्या ही आएगा। पहला नियम इसका ध्यान रखें, काम आएगा। अब आगे थोड़ा सा और करके देख लेते हैं, इसी स्थिति में 2, 6 और 8, मैं तीन सम संख्याएं ले रहा हूं, ये आ गया 16 है, और ले 8, 4 और 12 है 24 आ गया, तीन विषम संख्याएं ले लेते हैं 5, 7, 9 21 आ गया, या और लेते हैं 3, 11, 17 ये सारी विषम ही तो है, जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 आ गया वो विषम, जिसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 आ गया वो सम। अब तीन सम संख्याओं को जोड़ा तो हमारे पास क्या आया है 16, 16 में इकाई का अंक 6 सम संख्या है, तीन सम संख्याओं को जोड़ेंगे सम संख्या आया, फिर इन तीन सम संख्याओं को जोड़ा 24, 24 भी क्या है सम है, सम संख्या आया, तीन विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं 5, 7 और 9 को, विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास उत्तर आया 21, जिसका इकाई का अंक 1 है, 1 मतलब विषम संख्या है, अर्थात तीन विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है एक विषम संख्या ही आ रहा है, और तीन विषम हम इधर भी जोड़ रहे हैं तो हमारे पास इसका उत्तर 31, इकाई का अंक 1 है, 1 है तो विषम संख्या, मतलब इन तीन विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी इकाई का अंक मेरे पास क्या आ रहा है विषम आ रहा है, अर्थात विषम संख्या आ रही है। हमने पहले देखा था इससे पहले कि दो सम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो सम संख्या आ रहा है, दो विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो भी सम संख्या आ रहा है, लेकिन जब हम तीन सम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो सम आ रहा है, मतलब सम तो हम कितनी भी बार जोड़े हमेशा परिणाम सम संख्या ही आएगा, लेकिन विषम जब हम तीन बार जोड़ते हैं तो विषम आ जाएगा, तीन बार विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो परिणाम हमारे पास एक विषम संख्या होगा। अर्थात यहां यह समझने की जरूरत है, इसमें हम 4 में भी करके देख सकते हैं, 5 में भी करके देख सकते हैं कि सम संख्या को कितनी भी बार जोड़ा जाए सम संख्या में हमेशा परिणाम सम संख्या ही आएगा, लेकिन यदि दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाएगा, दो विषम को, तो सम परिणाम आएगा, तीन विषम को जोड़ा जाएगा तो विषम आएगा, चार विषम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो सम आएगा, पांच विषम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो विषम आएगा, एक के बाद एक ये बदलती हुई जाएंगी। एक और नियम जोड़ का इसके अंदर है हमारे पास, एक सम और एक विषम को जोड़ के देख लेते हैं, एक विषम और एक सम को जोड़ के देख लेते हैं, 8, 7, 15 और ये 21। हमारे पास अब एक सम और एक विषम है, एक विषम और एक सम, आगे पीछे लिख लो, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, 8, 7, 15 एक सम और विषम को जोड़ा गया तो 15 आया, 15 ये क्या है विषम संख्या है, 9 और 21 को जोड़ा गया, 9 और 12 को जोड़ा गया 21 आया, 21 क्या है एक विषम संख्या है, अर्थात
एक सम और एक विषम को जोड़ा जाएगा तो परिणाम हमारे पास विषम संख्या आएगा। एक सम एक विषम और एक सम को जोड़ा जाएगा तो परिणाम हमारे पास एक विषम संख्या आएगा। ये था सम और विषम संख्याओं का एक और नियम। और कोई भी प्रश्न आपको इस प्रकार से मिल जाए, आप इस प्रकार जोड़ के देख लें, परिणाम आपके पास ही होगा। ये जोड़ से संबंधित था सम और विषम का। गुणा में देख लेते हैं, 4 × 8 दो सम संख्याओं का। मैं दो दो बार इसलिए ले रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। विषम का भी गुणा करके देख लो, 8 × 32, 10 × 60, 5 × 35, 9 × 27, 2, 9 × 2, 11, 13 × 9 क्या आ गया 117 है। अब जब हमने गुणा किया एक सम संख्या को सम संख्या से, उत्तर हमारे पास क्या आया सम संख्या। एक सम संख्या को सम संख्या से, उत्तर हमारे पास क्या आया एक सम संख्या। लेकिन एक विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है विषम संख्या ही आ रहा है। और एक विषम संख्या को विषम से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है तो भी विषम आ रहा है। अर्थात गुणा की स्थिति में यदि दो सम संख्याओं को गुणा करेंगे तो परिणाम सम संख्या, दो विषम संख्याओं को गुणा करेंगे तो परिणाम विषम संख्या। और अब हम इसका उल्टा ले लेते हैं, एक सम और एक विषम, एक विषम और एक सम, 8 × 56, 12 × 9, 108। अब यहां पे देखें दोनों स्थितियों में एक सम और विषम को गुणा किया गया, एक विषम और सम को गुणा किया गया तो परिणाम हमारे पास क्या आ रहा है हमेशा ये भी सम संख्या ये भी सम संख्या। अर्थात दो विषम संख्याओं को गुणा करेंगे तो उत्तर विषम संख्या, दो सम संख्याओं को गुणा करेंगे उत्तर सम संख्या, एक सम और एक विषम को गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा एक सम संख्या आएगा। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आपके पास यदि आ जाए तो आप खुद भी गुणा करके उन संख्याओं को रख के गुणा करके देख सकते हैं, परिणाम आपके पास होगा। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।